हाँ जी फ्रेंड, हमारी पहली थ्योरी है जो कि है इकोलॉजिकल थ्योरी, जिसे हम परिस्थिति परक सिद्धांत भी कहते हैं। ये किसने दिया था, ये सिद्धांत जो दिया था, ये दिया था यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसके बारे में काफ़ी एग्जाम में भी पूछा गया है कि इकोलॉजिकल थ्योरी किसने दी थी। तो इसको कैसे ट्रिक से हम 2 से 3 सेकंड के अंदर याद कर लेंगे, चलिए देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ से इकोलॉजिकल से हमें लॉजिक निकालना है। देखो यहाँ से हमें लॉजिक मिल गया, ये लॉजिक वर्ड मिल गया, ठीक है। और जो ब्रॉनफेन ब्रेनर है, यहाँ से ब्रेनर का हमने यहाँ से ब्रेन निकाल लिया, ठीक है, ब्रेनर से हमने ब्रेन को निकाल लिया। और फैन का, FEN का जो फैन है, ये इसको हमने FAN फैन से रिलेट कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो कोई बच्चा जो है वो तर्क लगाता है, लॉजिक का मतलब होता है तर्क लगाना। कोई बच्चा तर्क लगाता है कि जो फैन है वो कैसे घूमता है, अपना लॉजिक लगाता है कि फैन कैसे घूमता है। और वो लॉजिक लगा रहा है तो किसकी हेल्प से लगा रहा है, अपने ब्रेन का यूज कर रहा है लॉजिक लगाने में, ठीक है। तो जब भी आपको मिले कि भाई इकोलॉजिकल थ्योरी, यहाँ पे लॉजिक आ गया, और लॉजिक का मतलब है कि वो तर्क लगाएगा किसके बारे में, फैन के बारे में तर्क लगाएगा। और फैन के बारे में तर्क लगाने के लिए क्या करेगा, वो अपने ब्रेन का यूज करेगा। तो यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हो कि जो इकोलॉजिकल थ्योरी है वो किसने दी थी, यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर ने, ठीक है फ्रेंड्स।